आइए आइए पानी पूरी खाइए। अरे हो चाची, पानी पूरी नहीं खानी आज? नहीं रे मोहन, अभी दोपहर होने को है, अभी पानी पूरी कौन खाता है, घर जाके दाल चावल खाऊंगी। ठीक है चाची, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर शाम को आइए ना, मस्त खट्टे पानी के साथ पानी पूरी खिलाऊंगा। अभी शाम को कौन आएगा, ये बाजार पहले जैसा तो है नहीं। पहले यहाँ पे सुबह से रात तक लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन आजकल तो लोग आते ही नहीं। ये बोलकर चाची चली गई। मोहन भी उदास नजरों से देखता रहा। चाची ने सही कहा है, इस बाजार में लोग ही नहीं आते, सुबह से एक भी पानी पूरी नहीं बिकी, घर जाकर बेबी को क्या जवाब दूंगा। दोपहर हो गई थी, धूप तेज थी। मोहन भी घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिल भारी हो चुका था। उसे पता था कि घर पहुंचते ही एक दफा और झगड़ा होने वाला है। सुबह सुबह सरला ने मुझे कितना कुछ सुनाया है, अभी फिर से वो सब सुनना पड़ेगा। क्या करूं, पानी पूरी का धंधा कुछ जम नहीं रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं। मोहन घर चला गया और घर पहुंचते ही उसकी बीवी सरला ने पूछा, चावल और आटा लाए हो कि नहीं? नहीं सरला, सुबह से एक भी पानी पूरी नहीं बिकी, कहां से लाऊं? घर में चावल का एक दाना नहीं है, अगर खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की थी? जब शादी की थी तब पानी पूरी बेचकर अच्छी कमाई होती थी, दोनों गायों से अच्छा खासा दूध मिल जाता था। लेकिन शादी के बाद अचानक से दोनों गायों ने दूध देना बंद ही कर दिया और बाजार में भी भीड़ कम होने लगी। अच्छा, कहना क्या चाहते हो, मैं अब शकुनी हूँ क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? सब कुछ समझती हूँ मैं, अब मुझसे मन उठ गया है ना। पहले तो मेरा हर एक कहना मानते थे, लेकिन अब कुछ सुनते ही नहीं हो। क्यों, क्या नहीं सुना मैंने? कब से कह रही हूँ दोनों गायों को बेच दो, कुछ तो पैसे मिलेंगे। फालतू में दोनों को पाल रहे हैं, हर रोज उन्हें खिलाने के लिए घास पत्ते लाने पड़ते हैं, उनको हर रोज खाना मिल रहा है लेकिन हम भूखे सो रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो सरला, गाय माता के समान होती है, उन्हें बेच कैसे सकता हूँ? तो फिर रहो तुम अपनी गायों के साथ, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। कैसे जाओगी, बस का भाड़ा देने के लिए पैसे हैं? हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है इस आदमी से शादी करके, मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। चिल्लाते हुए सरला कमरे में चली गई। क्या करूं मैं, तुम दोनों मेरे बचपन के साथी हो, तुम दोनों को कैसे बेचो, मन नहीं मानता। नहीं नहीं, चाहे मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं, तुम दोनों को मैं कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। गायों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर मोहन पानी पूरी लेकर फिर से बाजार में चला गया। आइए आइए पानी पूरी खाइए। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक लड़की मोहन के पास आई। भैया, पानी पूरी कितने के दिए? अरे आओ दीदी, वैसे तो 10 रुपए में 4 बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए 10 रुपए में 5। ठीक है, दो भैया। मोहन ने एक पानी पूरी दिया, लेकिन उसे खाते ही उस लड़की का मुंह बन गया। अरे भैया, ये क्या है, पानी पूरी फ्रेश नहीं है क्या, ये तो रोटी बन गया है। वो परसों की पानी पूरी है दीदी, 2 दिन से एक भी नहीं बिकी है ना। आप पैसे लेकर खराब पानी पूरी खिला रहे हो, मुझे नहीं खानी आपकी ये पानी पूरी, ये लीजिए 10 रुपए। चलो फिर भी 10 रुपए तो मिले, आज रात का खाना हो जाएगा। अरे अंदर से खाने की खुशबू आ रही है, वो भी मटन की। मोहन रसोई में गया और देखा सरला मटन और चावल बना रही है। ये क्या सरला, क्या बना रही हो? आओ जी, मैं मटन बना रही हूँ, खुशबू अच्छी निकली है ना, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया है, दोनों एक साथ खाएंगे। लेकिन मोहन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब तो ठीक है सरला, लेकिन मटन के पैसे कहाँ से आए, कहीं से पैसे मिल गए हैं क्या तुम्हें? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, बहुत सारे पैसे मिले, 2-3 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। अरे वाह सरला, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। तो सुबह उठकर गौशाला में गया, लेकिन देखा कि गौशाला खाली पड़ा है, वहाँ मोती और ज्योति नहीं है। मोती ज्योति कहाँ है दोनों, अरे कहाँ हो तुम दोनों, मोती ज्योति? अरे शांत हो जाओ, फालतू में सुबह सुबह नींद खराब कर दी है। सरला, मेरी मोती और ज्योति का है? बेच दिया है मैंने। बेच दिया है मतलब? मतलब बेच दिया है और क्या, फायदा क्या है वैसी गायों का जो दूध ना दे। ये तुमने अच्छा नहीं किया सरला, किसको बेचा है बताओ मुझे? बिरजू व्यापारी को बेचा है। पैसे दो, अभी पैसे दो मुझे, उन दोनों को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। पैसे, भूल जाओ पैसों को, वो मेरे पैसे हैं, छुड़ाना है तो खुद पैसे कमा कर लाओ। मोहन तभी दौड़कर बिरजू व्यापारी के घर में गया और देखा बिरजू व्यापारी ने एक नई बैलगाड़ी बनाई है और उस बैलगाड़ी में मोती और ज्योति बंधे हुए हैं। मेरे मोती और ज्योति को लौटा दो बिरजू भाई। ए हलवा है क्या है, पूरे 30,000 रुपए से खरीदा है दोनों को, लेना है तो 50,000 ला और बैलगाड़ी समेत खरीद कर ले जा। 50,000? लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर घर जा, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, आप मेरे घर के कागज रख लीजिए, मैं धीरे धीरे 50,000 दे दूंगा। ठीक है,
जा कागज लेके आ, 3 महीने का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तेरा घर ले लूंगा। मोहन ने अपने घर के कागज दे दिए और फिर वो बैलगाड़ी समेत मोती और ज्योति को घर ले आया। घर गिरवी रखने पर सरला गुस्सा हो गई और सारा पैसा लेकर मायके चली गई। मोहन के पास मोती और ज्योति के अलावा कुछ नहीं बचा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, अब कैसे दो 50,000। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब एक और रास्ता खुल जाता है। हमें बस उस रास्ते को शिद्दत के साथ ढूंढना पड़ता है। अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। 2 घंटे के अंदर मोहन की सारी पानी पूरी बिक गई। अरे ये तरकीब मैंने पहले क्यों नहीं लगाई, खैर देर आए दुरुस्त आए। मोहन का ये आइडिया हिट हो गया। वो पूरे गांव में बैलगाड़ी पानी पूरी वाले के नाम से फेमस हो गया और बैलगाड़ी की वजह से वो आसपास के गांव में भी पानी पूरी बेचने में सक्षम हो गया। इस तरह 1.5 महीने के अंदर ही उसने 50,000 चुकाकर घर को भी बचा लिया और उसके बाद वो बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी देखकर सरला वापस तो आई, लेकिन मोहन ने कहा, पति के बुरे समय में उसका साथ देना पत्नी का धर्म है, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और इसके बाद मोहन मोती और ज्योति के साथ ही खुशी खुशी रहने लगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।